चलिए आज हम देखते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। अभी हम जब प्लांट वाटर रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा कि कौन से टाइप्स के वाटर होते हैं सॉइल के अंदर जो प्लांट को अवेलेबल है और जो नॉट अवेलेबल है। तो हम पहले देखेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ वाटर जो कि एनसीईआरटी में दिया गया नहीं है पर कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन से टाइप का वाटर जो है प्लांट को अवेलेबल रहता है। तो हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ वाटर। पांच टाइप्स के वाटर है। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तीसरा है कैपिलरी वाटर, चौथा है केमिकली कंबाइंड वाटर। फिफ्थ है रन अवे वाटर। अभी हम ये सब समझेंगे कि क्या है ग्रेविटेशनल वाटर, क्या है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, क्या है कैपिलरी वाटर। इसके लिए हम एक सॉइल का लेयर ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर एक प्लांट दिखा देते हैं। ये एक प्लांट है जो इसका रूट्स है यहाँ तक जा रहा है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। जब पानी रेन के फॉर्म में सॉइल पे आता है तो सबसे पहले सॉइल का लेयर क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो ड्राई लेयर्स में चला जाता है। ड्राई लेयर्स ऑफ सॉइल वहां पर चला जाता है जो कि हमारे प्लांट के रूट से बहुत दूर निकल गया होता है, तो वो रेडिली अवेलेबल नहीं रहता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। क्या है ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ तक ड्राई लेयर्स में चला गया होता है जो रूट के रीच से बहुत दूर है, तो वो अवेलेबल नहीं रहता है। ये वाटर हम बाहर निकाल सकते हैं कोई वेल बना के, बोरवेल बना के हम ये पानी निकाल सकते हैं। और ये पानी कहाँ पर यूज हो जाएगा, इरिगेशन में। ये पानी हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है सॉइल्स के अंदर बहुत सारे कोलोइडल पार्टिकल्स रहते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स पानी इसके साथ एड्सॉर्ब करता है। वाटर गेट्स एड्सॉर्ब विद कोलोइडल पार्टिकल्स। अभी जब ये एड्सॉर्ब होता है तो वाटर अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज करके बहुत टाइटली बाइंड हो जाता है बाय कोहेसिव फोर्स। तो ये पानी जो
कोई कोलाइड से अटैच है वो भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा, इसकी वजह से इसको भी हम लिखेंगे कि नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, क्योंकि ये वाटर जो है वो कोहेसिव फोर्स से कोलाइडल पार्टिकल के साथ टाइटली एड्सॉर्ब हो गया है। अभी थर्ड वन जो है वो है कैपिलरी वाटर, ये पार्टिकल्स को हम बोलेंगे कोलोइड्स। अभी जो पानी नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में रहता है कैपिलरी बना के, कोई कैपिलरी ट्यूब जैसा बन जाता है सॉइल मॉलिक्यूल्स के जो नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स है उसमें वो पानी रहता है, और वो एक टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से वो नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ बाइंड होता हुआ रहता है। तो वो पानी जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्लांट को, जो कि नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ सरफेस टेंशन की वजह से बाइंड हुआ है। तो जो कैपिलरी वाटर है वो रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स, क्यों रेडिली अवेलेबल है, क्योंकि वो इतना टाइटली बाइंड नहीं हुआ है, वो सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से उसके साथ नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ एक कैपिलरी बना के रह रहा है, अभी वो इजीली प्लांट उसको ले सकता है। तो ये प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा किस पानी का यूज़ करता है, कैपिलरी वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेरी वेरी लेस अवेलेबल, इसलिए हमने लिखा है कि नॉट अवेलेबल होता है पर बहुत ही कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो पानी है यूज़ होता है वो है कैपिलरी वाटर। और वो कहाँ पर मिलेगा, सराउंडिंग नॉन कोलोइडल पार्टिकल्स, अटैच क्यों होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो है कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ बाइंड होता हुआ दिखता है, इसलिए ये रेडिली अवेलेबल नहीं रहता है। और उसमें कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स, इसमें आप कितनी भी ताकत लगा दो हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं अवेलेबल होता है। अभी लास्ट है एक केमिकली कंबाइंड वाटर, हमने देखा है कई बार कि कई रिएक्शंस केमिस्ट्री में हम ऐसे लिखते हैं, ये जो वाटर रहता है केमिकल के साथ बाइंड होता होगा ये क्रिस्टलर फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, और ये वाटर भी अवेलेबल नहीं रहता है प्लांट को। तो एक ही वाटर है जो अवेलेबल रहता है, क्योंकि रन अवे वाटर जो है वो सरफेस से फ्लो करता है, जब बारिश होती है या पानी हम इरिगेट करते हैं तो इजीली जो पानी फ्लो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं कि, अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वाटर, अभी हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो पानी का मूवमेंट प्लांट के अंदर कर सकता है। तो प्लांट के अंदर जब भी पानी का मूवमेंट होता है तो हम एक टर्म ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसको हम जो बोलते हैं फ्री एनर्जी। ये जो फ्री एनर्जी है, ये फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनामिक टर्म है, थर्मोडायनामिक टर्म बोलते हैं इसको। क्या है फ्री एनर्जी, शायद हमने फर्स्ट चैप्टर में पहले से ही पढ़ लिया है कि फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होता है। तो फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनामिक टर्म है जिसको हम बोलेंगे इट इज सम ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम कैपेबल फॉर डूइंग वर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी के
ये एक सम है एनर्जी का, कोई भी सिस्टम ले लो, इसमें ये सम है एनर्जी का जो कि कैपेबल है क्या करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, उसको हम बोलेंगे फ्री एनर्जी। अभी फ्री एनर्जी की वजह से प्लांट के अंदर कैसा मूवमेंट होता है, तो जहां पर हायर फ्री एनर्जी होता है वहां से वाटर का मूवमेंट कहां पर होता है, लोअर फ्री एनर्जी। ये एक टर्म है जो हम बार बार यूज कर रहे होते हैं कि हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फ्री एनर्जी है तो यहाँ पर वर्क भी ज़्यादा होगा। और इसके लिए हमने एक वर्ड लिया है जिसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हम डिनोट करते हैं उसको ग्रीक वर्ड से साई और वाटर के लिए W, ग्रीक वर्ड है साई और हम यूज करते हैं उसके लिए सिंबल साई W। अभी वाटर पोटेंशियल क्या है, तो ये एक डिफरेंस है फ्री एनर्जी का डिफरेंस प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर और कौन से दूसरे कोई भी हम सॉल्यूशन लेंगे इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके दोनों में जो डिफरेंस बनता है फ्री एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन होगा इट इज डिफरेंस ऑफ, किस चीज का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, फ्री एनर्जी का डिफरेंस है। इट इज अ डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो फिर इसको हम सेल ले ले या टिश्यू ले ले या कोई सॉल्यूशन ले ले, कोई भी सिस्टम हो, तो अगर डिफरेंस हमको मिल जाता है फ्री एनर्जी का मॉलिक्यूल्स जो प्योर वाटर का होता है और जो मॉलिक्यूल्स वाटर का होता है सेल टिश्यू या सॉल्यूशन के अंदर, तो उससे हमको मालूम पड़ेगा कि वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। अभी यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रेफरेंस किस चीज का ले रहे हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लेते हैं प्योर वाटर का। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो, तो हम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रेफरेंस लेते हैं प्योर वाटर। कोई भी मेजरमेंट हमें करना है तो वो हम प्योर वाटर से कंपेयर करके कर सकते हैं। अभी ये है वाटर पोटेंशियल। अभी कितने फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल फैक्टर्स हम बोलते हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें मेजर चार टाइप के जो फैक्टर्स हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। एक है, पहला है मैट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, और चौथा जो है उसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अभी ये जो चार फैक्टर्स है इसको ये अफेक्ट करते हैं किस चीज को,
वाटर पोटेंशियल को, अभी ये मैट्रिक पोटेंशियल है उसको हम ले लेते हैं साई एम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको हम ले लेते हैं साई जी, सॉलिड पोटेंशियल को लेंगे साई एस और प्रेशर पोटेंशियल को लेंगे साई पी। तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो होता है साई डब्ल्यू जो कि वाटर पोटेंशियल है उसे बनता है साई एम प्लस साई जी प्लस साई एस प्लस साई पी। पर हमें मालूम नहीं है कि मैट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, का है क्या है सॉल्यूट पोटेंशियल और क्या है प्रेशर पोटेंशियल। अभी हम जब बात करते हैं मैट्रिक पोटेंशियल की, तो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है कि कई वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कोलॉइड के साथ टाइटली बाइंड हो जाते हैं। ये वर्ड आया है मैट्रिक से, मैट्रिक्स का मतलब है सरफेस, मैट्रिक का मतलब है सरफेस ऑफ, सरफेस ऑफ सॉइल सेल वॉल टू विच वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एड्सॉर्ब्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल सॉइल के पार्टिकल के साथ एड्सॉर्ब हुआ है, कोई सेल वॉल के साथ एड्सॉर्ब हुआ है, कोई ड्राई सीड के अंदर जो पानी एड्सॉर्ब होता है, तो जब पानी के कोई भी मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि उसने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज कर दिया है तो उसका वैल्यू बन जाता है नेगेटिव। तो मैट्रिक पोटेंशियल को हम ऑलवेज मेजर करते हैं नेगेटिव वैल्यू में। पर ये मैट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर सिग्निफिकेंट अपना असर दिखाता है, एक तो है ड्राई सीड्स, ड्राई सीड्स होता है उसमें उसका ये वाटर मॉलिक्यूल्स टाइटली एड्सॉर्ब होते हुए दिखते हैं, पर दूसरे में नहीं दिखते। कोई यंग सेल वॉल है तो वहाँ पर दिखेगा, पर अगर ओल्डर सेल वॉल होते हैं तो वो हाइड्रेटेड रहते हैं तो उसका सिग्निफिकेंट असर नहीं है। तो जनरली मैट्रिक पोटेंशियल को हम इस इक्वेशन में इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ ड्राई सीड्स में होता है ज़्यादातर, इसलिए जनरली सिग्निफिकेंट इन ड्राई सीड्स। तो इसको हम मेजर नहीं करते हैं, तो इसको इग्नोर कर दिया। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो ये पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द वाटर। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर पोटेंशियल पर एक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसका इक्वेशन बनता है पी डब्ल्यू जी एच, पी डब्ल्यू जी एच। पी डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर, पी डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमको मालूम है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, और एच है हाइट। तो जब पी डब्ल्यू जी का वैल्यू निकालते हैं, पी डब्ल्यू जी का जो वैल्यू होता है 0.01 मेगा पास्कल पर मीटर। अभी ये इतना निग्लिजिबल है कि अप टू 5 मीटर्स हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्लांट्स में 5 मीटर हाइट नहीं मिलती है तो इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो पहला एक मैट्रिक पोटेंशियल जो कि सिग्निफिकेंट है ड्राई सीड्स में, तभी हम साई डब्ल्यू के इक्वेशन में इसको रखेंगे। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव में है पर बहुत ही निग्लिजिबल है, तो उसको भी हम जनरली इग्नोर करते हैं, इसका वैल्यू भी इग्नोर हो जाता है। तो इक्वेशन क्या बना,
psi w is equal to psi s plus psi p. अभी सॉल्यूट पोटेंशियल जो है, सॉल्यूट पोटेंशियल ये क्यों होता है? सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, तो उससे हमको मालूम पड़ता है सॉल्यूट पोटेंशियल। अभी हम कोई प्योर वाटर लेते हैं तो उसमें सॉल्यूट कैसा होता है? जीरो होता है, तो उसका वैल्यू क्या बन जाता है? जीरो। अभी हम अगर कोई सॉल्यूट अंदर ऐड करते हैं तो जो फ्री एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि हमने ऐड क्या किया है, कोई सॉल्यूट ऐड किया है, तो उससे डेफिनेटली फ्री एनर्जी में कमी आएगी, तो उसका वैल्यू क्या बन जाता है? नेगेटिव। जब सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसका दूसरा भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम पाई सिंबल से डिस्क्राइब करते हैं और जनरली इसका इक्वेशन ऐसा बन जाता है कि साई एस इज इक्वल टू माइनस पाई, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी माइनस पाई ही लेना पड़ेगा। अभी जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल के अंदर जब कमी आती है किसकी वजह से? ड्यू टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, इसका इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर जितना हम अंदर सॉल्यूट डालते हैं उतना ही वाटर पोटेंशियल नीचे जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो कि दूसरा नाम है सॉल्यूट पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर या और इम्बाइबिड प्रेशर, इसको दूसरा नाम भी दिया है हमने। और लास्ट वाला जो है वो है प्रेशर पोटेंशियल। अभी हमको मालूम है कि पानी जब सेल के अंदर जाता है तो टर्गर प्रेशर बनता है, क्योंकि सेल टर्जेड होता है और ऑपोजिट एक फोर्स सेल वॉल भी एग्जर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। दोनों हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेल के अंदर वैक्यूल ने बनाया है वो पॉजिटिव होगा, और सेल वॉल जो प्रेशर बना रहा है ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी वो भी पॉजिटिव होगा, तो उसको हम क्या लेते हैं? वैल्यू इज पॉजिटिव। तो मेन ये दो फैक्टर है जो कि वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, एक साई एस और दूसरा है साई पी, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन और वाटर और प्रेजेंट ऑफ प्रेशर। अभी जो वाटर पोटेंशियल है उसका जो यूनिट है वो है बार पास्कल और एटमोस्फियर्स। इसमें हम वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि वाटर मूवमेंट क्यों होता है। हमने ऑफन एक वर्ड यूज किया फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी कौन सा टर्म है? थर्मोडायनामिक टर्म है। इट इज अ सम ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉर कैपेबल फॉर डूइंग वर्क। अभी पानी कहाँ से जाता है? हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूसर जब ज़्यादा होती है, जब फ्री एनर्जी रहती है तो जहाँ पर फ्री एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्लांट के लिए टर्म है वाटर पोटेंशियल, जिससे हम मालूम करेंगे कि वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाता है। इसके ये फॉर्मूला से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला, वाटर पोटेंशियल क्या है? ये एक डिफरेंस है, कहाँ किस चीज़ का डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वाटर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन एनी सिस्टम। अभी सेल लो, टिश्यू लो या सॉल्यूशन लो,
अभी स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या लेते हैं हम, प्योर वाटर, क्योंकि उसका साइड डब्ल्यू क्या रहता है, जीरो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इज जीरो, जीरो सॉल्यूट होता है तो साइड डब्ल्यू भी जीरो हो जाता है। अभी कौन से चार फैक्टर्स हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, एक है मैट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तीसरा है सॉलिड पोटेंशियल और चौथा है प्रेशर पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल जो है वो मैट्रिक वर्ड आया है सरफेस और सॉइल सेरवाल या कोई भी ऐसा चीज़ जो हाइड्रोफिलिक एड्जॉर्प्शन कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कर सकता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड होते हैं तो फ्री एनर्जी रिलीज कर देते हैं, तो उसका वैल्यू हम लिया है नेगेटिव। दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कि साई जी है, उसका इक्वेशन बनता है पी डब्ल्यू जी एच, और यहाँ पर पी डब्ल्यू जी अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक 0.0 मेगा पास्कल है, तो कि बहुत ही निग्लिजिबल है। 5 मीटर तक हम ये वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं, तो ज़्यादातर हमारी इक्वेशन में ये दोनों इग्नोर होते हुए दिखते हैं, क्योंकि मैट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस सिर्फ जनरली ड्राई सेंस में दिखा जाता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अप्लाइड प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।